हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 14, अ लेसन फॉर ऑल। स्टूडेंट, आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1, EVS 2, इंग्लिश एंड मैथ्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं, अ लेसन फॉर ऑल। तो इस लेसन में आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, तो कैरेक्टर्स के नाम पहले हम देखते हैं। इसमें ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो है न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर, स्कूल बस ड्राइवर, डॉक्टर सावन, मिसेस पटेल जो कि हाउसवाइफ है, मिस्टर देसाई जो बिजनेसमैन है, मेयर ऑफ द टाउन, मिसेस जोशी जो हाउसवाइफ है, निधि एंड मधु जो मिसेस जोशी की डॉटर्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स है ये। उसके बाद एनिमल्स कैरेक्टर भी दिए गए हैं इस लेसन में आपको, जो रैबिट, डियर, पीकॉक, स्क्विरल, बियर, बर्ड्स एंड अ टॉर्टोइस। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको इस लेसन में दिखने वाले हैं। अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे स्ट्रीट पे देखिए क्या दिख रहा है रोड पे। द स्ट्रीट इज लिटर विद अ प्लास्टिक बैग्स, कार्टन्स, टीन्स, कैंस, ब्रोकन ग्लास, ओल्ड टायर्स, वेस्ट पेपर बॉल्स, बैग्स एंड अदर गार्बेज। एंटर मिस्टर देसाई। तो यहाँ पे स्ट्रीट की हालत देखिए किस तरीके से है कि पूरी तरीके से कूड़ा कचरा यहाँ पे फैलाया गया है, जिसमें कि प्लास्टिक बैग्स दिख रही है, वेस्ट पेपर के जो बॉल बनाए जाते हैं उस तरीके के बॉल वहाँ पे पड़े हैं, ब्रोकन ग्लास, टूटे फूटे ग्लास पड़े हुए हैं, कांच पड़े हुए हैं, टीन्स है, कैंस है और अदर भी बहुत सारा कूड़ा कचरा इस स्ट्रीट पर पड़ा हुआ है। और तभी एंटर होते हैं कौन, मिस्टर देसाई। मिस्टर देसाई लुकिंग आउट इन टू द डिस्टेंस, वाई हैजंट द न्यूज़पेपर बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम टूडे। आज न्यूज़पेपर टाइम पे क्यों नहीं आया है, इट्स 9 o'clock, ये तो अभी तो 9 o'clock हो गए, मतलब 9 बज गए हैं। ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फॉर माई ऑफिस, और अभी मेरे ऑफिस का जाने का टाइम भी हो चुका है। लुक्स आउट अगेन, और फिर से ये बाहर देखते हैं। लेट मी आस्क द पटेल इफ दे हैव रिसीव देयर कॉपी, और मैं क्या करता हूँ अभी पटेल को पूछता हूँ कि उनके पास पेपर आया है या नहीं। गोज इन टू द विंग्स एंड रिटर्न्स विद मिसेस पटेल, और अभी यहाँ पे कौन है, मिसेस पटेल भी है। मिसेस पटेल सेड, नो मिस्टर देसाई द न्यूज़पेपर बॉय हैजंट डिलीवर द पेपर्स एज एट। तो मिसेस पटेल यहाँ पे मिस्टर देसाई को बोलती है कि नहीं मिस्टर देसाई, अभी तक न्यूज़पेपर हमारा भी नहीं आया है, नॉर हैज़ अवर मिल्कमैन टर्न अप, और ना ही दूध वाला आया है। मिस्टर पटेल इज़ सो ग्रम्पी, और मिस्टर पटेल क्या हो चुके हैं, ग्रम्पी का मीनिंग गुस्सा आना, तो मिस्टर पटेल काफ़ी गुस्सा हो चुके हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी, और वो क्या कर रहे हैं, एक कप चाय जो मॉर्निंग में चाय पीते हैं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे दूध वाला भी अभी तक नहीं आया है। मिस्टर देसाई सेड, वेरी स्ट्रेंज एंड लुक द स्टेट द स्ट्रीट इज इन इज सिंपली शॉकिंग, और देखिए कितनी अजीब बात है, और देखिए ये स्ट्रीट को कि किस तरीके से शॉकिंग लग रहा है सब। मिसेस पटेल, माय वर्ड व्हाट्स दिस, ये क्या है, वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम, ये सारा कूड़ा कचरा कहाँ से आया इस स्ट्रीट पे। देन एंटर मिसेज जोशी विथ हर डॉटर्स, तो यहाँ पे कौन आ जाती है अभी, मिसेज जोशी अपने बेटी के साथ आती है। मिस्टर देसाई सेड, आई रिटर्न रैदर लेट फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट एंड द स्ट्रीट वॉज बेयर देन, हाउ डिड ऑल दिस रबिश गैदर हेयर ओवर नाइट। तो मिस्टर देसाई बोलते हैं कि जब मैं कल रात को ऑफिस से आ रहा था रिटर्न, तो उस टाइम तो स्ट्रीट पे कुछ भी नहीं था, तो फिर एक रात में ये सारा कूड़ा कचरा कहाँ से आ गया। सडनली मधु फॉल्स एंड इंजर्स हर फुट गिव्स आउट अ क्राई ऑफ पेन। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि इस लड़की के पैर में कुछ लगा हुआ है। तो सडनली ये जब बात कर रहे होते तभी ये जो मधु होती है ये क्या हो जाती है, उसको मधु के पैर में कुछ लगता है, इंजरी हो जाती है, लग जाता है और गिर जाती है वहाँ पे, और ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा है। मधु सेड, ओ आउच माय फुट इट हर्ट्स, मेरे पैर को यहाँ पे लग गई है। मिसेज जोशी, ओ डियर मधु आर यू ऑल राइट, ओ नो हर फुट इज़ ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज़। तो यहाँ पे मिसेज जोशी भी घबरा जाती है और मधु को पूछती है कि आपको, आप ठीक तो हो, आपको लग गया है कहीं पे, हर फुट इज़ ब्लीडिंग, उसके पैर से तो अभी खून आने लगा है, समबडी हेल्प प्लीज़, तो कोई तो मदद करो। मिसेस पटेल सेड, अभी मिसेस पटेल बोलती है, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावन, रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली। तो मिसेस पटेल यहाँ पे निधि को बोलती है कि जल्दी से जाओ और जो डॉक्टर मिसेस सावन थे उनको जल्दी से बुला के लाओ, योर सिस्टर हैज़ कट हरसेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास बॉटल। तो यहाँ पे आपके सिस्टर का पैर ब्रोकन ग्लास पे पड़ चुका है, तो उनके पैर में लग गया है, आप जल्दी से जाओ और जो डॉक्टर है मिसेस सावंत उनको बुला के लाओ।
मिस्टर देसाई सेड आई विल गेट सम आइस एट वंस। मैं क्या करता हूँ, जो आइस क्यूब है, आइस बर्ब जो होता है, उसको लेके आता हूँ जल्दी ही। मिसेज जोशी ऑलमोस्ट इन टीयर, मतलब ये ऑलमोस्ट रोने के लिए आ चुकी है, उनको रोना आता है। माय पुअर चाइल्ड हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हेयर। तो उन्हें बुरा लगता है क्योंकि उनके बेटे के पैर में लग गया है, तो बोलती है यहाँ पे कि कैसे ये ब्रोकन ग्लास यहाँ पे आ गया। मिसेस पटेल सेड लुक अराउंड इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट, मिसेस पटेल यहाँ पे बोलते हैं कि देखो आपके आजू बाजू में सिर्फ ब्रोकन ग्लासेस ही नहीं है कि और भी बहुत सारा है, जैसे कि वो आगे बोलती है यहाँ पे सिर्फ बट तक दिया है। मिसेस जोशी सेड डियर मी व्हाट नॉनसेंस दिस इज अनबिलीवेबल वेयर हैज़ ऑल दिस रबिश केम फ्रॉम। तो यहाँ पे मिसेस जोशी काफ़ी गुस्से में है अभी और बोलती है कि अनबिलीवेबल है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि इतना सारा कूड़ा कचरा यहाँ पे कैसे आया। डॉक्टर सावंत एंटर्स विथ निधि, यहाँ पे अभी कौन आ जाते हैं, डॉक्टर सावंत भी आ जाती है निधि के साथ। शी हैज़ अ डॉक्टर्स किट, तो वो डॉक्टर है तो उनके पास क्या होता है, डॉक्टर्स किट जो होता है वो लेके आती है। डॉक्टर सावंत सेड लेट मी सी द वुंड, अभी डॉक्टर सावंत क्या करते हैं, जो जख्म, वुंड का मीनिंग होता है जख्म, तो जख्म देखती है। मिस्टर देसाई सेड हेयर इज सम आइस टू स्टॉप दी ब्लीडिंग, तो मिस्टर देसाई अपने साथ कुछ बर्फ लेके आते हैं और ब्लीडिंग पे लगाते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर सावंत सेड व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड गुड अप्लाइज आइस ऑन दी वुंड देयर नाउ इट हैज स्टॉप ब्लीडिंग। तो यहाँ पे डॉक्टर सावंत बोलते हैं मिस्टर देसाई को कि व्हाट अ प्रेजेंस माइंड, कि आपने अच्छा काम किया कि आपने ये आइस को अप्लाइज किया जख्म के ऊपर, देयर नाउ इट हैज स्टॉप ब्लीडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, खून आना बंद हो जाएगा। इट्स अ डीप कट, ये कट काफ़ी गहरा है। आई विल ड्रेस द वुंड एंड शी विल बी फाइन, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अभी उसको ड्रेसिंग कर देती हूँ उसके वुंड को, तो ये क्या करेगी, अभी अच्छा महसूस करेगी। मिसेज जोशी सेड थैंक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर, हैव यू सीन द रबिश एंड द लीडर ऑन द रोड। तो मिसेज जोशी उनको थैंक यू बोलती है डॉक्टर को कि अच्छा हुआ आप जल्दी से आ गई, लेकिन अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मेयर के पास जाने वाली हूँ और कंप्लेन करने वाली हूँ कि यहाँ पे देखिए कि स्ट्रीट पे कितना सारा कूड़ा कचरा यहाँ पे किसी ने ला के डाला हुआ है। डॉक्टर सावंत सेड ओ इट्स अ मिस्ट्री ऑल दिस गार्बेज वॉज नॉट देयर यस्टरडे। तो डॉक्टर सावंत को भी यहाँ पे सरप्राइज़ हो जाती है कि किस तरीके से ये सारा गार्बेज आया यहाँ पे, तो वो भी वही बोलती है कि यस्टरडे तो मैंने देखा, कल तो मैंने देखा था तो यहाँ पे गार्बेज नहीं था, एंड नाउ जस्ट लुक और अभी इतना सारा गार्बेज है। एंटर न्यूज़पेपर बॉय मिल्कमैन हॉकर एक्सेट्रा, तो ये सारे दूध वाला जो है, न्यूज़पेपर वाला जो होता है वो, हॉकर जो फेरी वाला है, ये सब आ जाते हैं। मिसेस पटेल सेड द मेयर मस्ट नॉट हैव सीन लुक द न्यूज़पेपर बॉय ही इज़ लिम्पिंग। तो लिम्पिंग का मीनिंग क्या होता है, लंगड़ा के चलते है हम लोग, तो उसे कहा जाता है लिम्पिंग। एंड द मिल्कमैन एट लास्ट, और देखिए यहाँ पे कि न्यूज़पेपर बॉय भी अभी आ रहा है और ये मिल्कमैन भी आखिर में अभी आ गया। वाई वेयर इज़ योर बाइसिकल एंड वाई आर यू सो लेट, तो यहाँ पे मिसेस पटेल उनको पूछती है कि आपको इतना लेट क्यों हुआ और आपकी बाइसिकल कहाँ पे है। मिल्कमैन सेड द टायर्स वेयर पंक्चर, तो यहाँ पे मेरी बाइसिकल के टायर क्या हो गए, पंक्चर हो गए। I had to come walking all the way with this heavy milk can. तो यहाँ पे जो milk can होते हैं उनको heavy can है तो उनको उठा के लाने में क्या हुई, यहाँ पे उनको time लग गया। Newspaper boy said, and I trip over an old tire and strain my foot. It was a quite dark early this morning. I didn't not expect and ओल्ड टायर राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। तो न्यूज़पेपर बॉय जो था उसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा कचरा था, बीच में ही वहाँ पे टायर को डाल रखा था, तो इसके कारण उसे भी लेट हुआ था। मिस्टर देसाई सेड आई सी समथिंग मस्ट बी डन, बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लिटर। तो उसी टाइम वहाँ से क्या आता है, बस ड्राइवर, स्कूल बस जो होती है, बस ड्राइवर वहाँ से आता है। देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से कूड़ा कचरा सब जगह पे पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, और ये बस ड्राइवर यहाँ पे आ रहा है। बस ड्राइवर सेड मिसेज जोशी आई एम सॉरी आई कांट ड्राइव द स्कूल बस टुडे, ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट देर इज़ नथिंग बट लिटर। तो यहाँ पे बस ड्राइवर बोलता है कि मिसेज जोशी आज मैं स्कूल की बस ही नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सिटी में जो है हर जगह पे, हर रोड पे क्या है, पूरी तरीके से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टेकल रेस कोर्स, जैसे कि ऑब्स्टेकल कोर्स में कैसे ऑब्स्टेकल्स डाले रहते हैं रोड पे और फिर उनको रेस को पार करना होता है, उन ऑब्स्टेकल्स को पार करना होता है, तो उसी तरीके से ये एक रेस कोर्स बन गया है जिसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं।
मिसेस जोशी सेड आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस ही मस्ट सी दिस आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड। तो मिसेज जोशी यहाँ पे कहती कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे सब जगह पे कूड़ा कचरा है और मैं अभी मेयर से कंप्लेंट करने वाली हूँ, तो वो यहाँ पे आएंगे और देखेंगे क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, काफ़ी डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास है, कांच के टुकड़े है, ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हॉकर देन फेरी वाला जो होता है वो बोलता है नो वन इज सेफ, लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ। तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है बच्चों के लिए या फिर हम सब के लिए, तो आप क्या कीजिए मेयर को रिक्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे आने के लिए और देखने के लिए बोलिए। मिस्टर देसाई सेड आई विल फेच हिम और उसके बाद एग्जिट, बाकी एग्जिट होने के बाद सब क्या होते हैं चले जाते हैं। देन एंट्रेंस अगेन विद द मेयर एंड हिज रिटिन्यू, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि मेयर को देखा जाता है। मेयर सेड एनॉयड अनबिलीवेबल शॉकिंग हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल डू टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश, कि यहाँ पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इस रास्ते से चल सकता है, इतना सारा यहाँ पे कूड़ा कचरा है। व्हाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली, आप लोग इस गार्बेज को अच्छे से डिस्पोज मतलब जो गार्बेज हमारे घर से निकलता है उसको अच्छे से डिस्पोज किया जाता है, तो जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं गार्बेज कलेक्ट करके लेके जाते हैं तो उसको डिस्पोज करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेयर उनको यही कहता है कि व्हाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली, आप जो आपका ये कूड़ा कचरा है अच्छे तरीके से डिस्पोज क्यों नहीं करते हो। मिसेस पटेल सेड बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गिव अवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर, लेकिन हमने किया है ऐसा, हमारा जो गार्बेज हम गार्बेज कलेक्टर को ही देते हैं। मिसेज जोशी सेड येस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट लाइक दिस, हम लोग हमारे और जो रोड है जो स्ट्रीट है रास्ते हैं इनको इस तरीके से ख़राब नहीं करते हैं। मिस्टर देसाई सेड और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर, हम लोग क्या करते हैं ये सारा जो कचरा है उसके बाद कहाँ पे जाता है रिवर साइड में जाता है, अवे फ्रॉम हेयर यहाँ से दूर जाता है। द रेन्स देन वॉश इट अवे, मिसेस पटेल सेड और द विंड्स ब्लो इट अवे, फिर क्या होती है हवा के कारण भी ये जो कचरा अगर यहाँ पे रहेगा वो चला जाता है। मेयर सेड देन हाउ डिड इट कम बैक इन टू द टाउन ओवरनाइट, अगर आप लोग मेयर यहाँ पे कहता है कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग गार्बेज को यहाँ पे नहीं रखते हो नहीं डालते हो तो फिर एक ही रात में सारा कचरा कहाँ से आया। बस ड्राइवर सेड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, वही तो प्रॉब्लम है। नो बडी नोज हाउ इट गॉट हेयर, इट्स अ मिस्ट्री, हमें नहीं पता कि कैसे ये सब कूड़ा कचरा यहाँ पे आया है। न्यूज़पेपर बॉय सेड इट लुक्स लाइक अ समवन हैज़ डन इट पर्पसली टू स्पॉइल अवर टाउन, तो न्यूज़पेपर बॉय जो है वो बोलता है कि ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के हमारे सिटी को टाउन को ख़राब करने के लिए ये सब किया है। मिसेज जोशी सेड एंड एंडेगर अवर चिल्ड्रन, और ये क्या हो सकता है हमारे बच्चों के लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। मिल्कमैन सेड एंड हिंडर अवर डेली वर्क, और इससे क्या हो गया हमारे डेली वर्क जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। मेयर सेड वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हम लोग ये बिल्कुल भी ऐसे सहन नहीं करेंगे। आई मस्ट लुक इन टू दिस, मैं अच्छे से इस प्रॉब्लम को देखूंगा। आई विल नॉट स्पेयर एनी वन हु हैज़ डन दिस, और जिसने भी ये किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मेस को क्रिएट करने के लिए या फिर ये सब गंदा कूड़ा कचरा डालने के लिए इधर। एंटर एनिमल्स हु हैव बीन हाइडिंग, डियर रैबिट बर्ड्स स्क्विरल बियर एक्सेट्रा, तो जो एनिमल्स कैरेक्टर हमने देखे थे अभी उनकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। ईच वन कम्स आउट फ्रॉम इट्स कवर टर्न बाय टर्न सेइंग, तो एक के बाद एक करके ये आते हैं। एनिमल सेड वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव ब्रॉट इन ऑल द लिटर, वी हैव स्प्रेड द गार्बेज ऑल ओवर द टाउन, सारे एनिमल्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है इस सारे चीज़ों के लिए, हमने ये कूड़ा कचरा फैला है, हमने ये कचरा जो है पूरे शहर में फैलाया है। डियर सेड अभी जो डियर होता है वो आगे आके बोलता है यस वी कन्फेस वी डिड सो, यस ये सभी हमने ही किया है। मेयर सेड व्हाट यू हाउ डेयर यू, कि आपने किया है ये और आपकी हिम्मत कैसे हुई, इस तरीके से मेयर उनसे बात करता है। मिसेज जोशी सेड What right do you have to spoil our town and make it unsafe to move around? तो मिसेज जोशी यहाँ पे कहती है कि किसने आपको हक दिया कि हमारे शहर को आप स्पॉइल करें इस तरीके से, और यहाँ पे अनसेफ जो चीज़ें आपने फैला के रखी है इसका हक आपको किसने दिया है। नेक्स्ट बियर सेड कम्स फॉरवर्ड, तो बियर आगे आता है और फिर बोलता है वी हैव ओनली ब्रॉड बैक टू यू दैट बिलोंग्स टू यू, कि हमने यहाँ पे क्या किया है जैसे आप लोग हम लोगों से करते हो वही हमने आपको रिटर्न किया है यहाँ पे।
टेल मी व्हाट राइट डू यू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट, तो आपको किसने हक दिया है कि ये सारा गार्बेज आप फॉरेस्ट में लाके डालो। द फॉरेस्ट इज अवर ड्वेलिंग प्लेस, तो फॉरेस्ट हमारी रहने के लिए रहने की जगह है, तो आप वहाँ पे किस तरीके से कूड़ा कचरा डाल सकते हो। देन बर्ड सेड आवर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू, तो हमारे जो ट्रीज है ये पूरी तरीके से नष्ट हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, तो ये आपके कारण हो रहा है। वेयर कैन वी रूस्ट अवर बिल्ड नेस्ट, तो हम हमारे नेस्ट है जो हमारे घर है ये कहाँ पे बनाएंगे। स्क्विरल सेड, स्क्विरल का मीनिंग होता है गिलहरी, तो स्क्विरल बोलते हैं यहाँ पे। एंड वेयर कैन वी लिव, और हम लोग कहाँ पे रहेंगे। रैबिट सेड, यू आर वरी अबाउट मधु बींग इंजोर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास, डोंट अवर यंग वंस गेट इंजोर्ड टू, तो रैबिट यहाँ पे कहता है कि मधु को इंजरी हुई या तो आप क्या हो गए, परेशान हो गए, तो मतलब मधु को जो शार्प ब्रोकन ग्लास लगा उसके कारण उसे इंजरी हुई, उसके कारण आप लोग परेशान हो गए, तो आप लोग हमारे यंग वंस के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि उनको भी इंजरी हो सकती है। डियर सेड, एस एंड वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देयर वुंड्स, अवर यंग वंस सिंपली डाई, तो हाँ ये सही है कि हमारे बच्चों को अगर कोई इंजरी होती है तो उनके लिए, उनके जख्म पे पट्टी बांधने के लिए कोई डॉक्टर भी हमारे पास नहीं है, तो हमारे जो बच्चे होते हैं ये तो सिंपली मर जाते हैं। मधु और निधि सेड, ओ नो हाउ शॉकिंग टेरिबल, तो मधु और निधि को बुरा लगता है ये सब बातें सुन के। टॉर्टोइस सेड, ऑल द फिश इन द रिवर्स एंड लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द वेस्ट डंप इन वाटर, हाउ वी सफर बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजनस, तो टॉर्टोइस यहाँ पे कहते हैं कि आप लोग जो गंदा पानी, वेस्ट डंप वाटर जो होता है उसको नदी में छोड़ते हो, तो उसके कारण जो फिश है या फिर जो एनिमल्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनको कितना प्रॉब्लम होता है, वो सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम को सफ़र करते हैं। जो भी आप केमिकल्स और पॉइजनस चीज़ें होती है पानी में मिक्स करते हो, तो उसके कारण कई प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। बियर सेड, एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पोल्यूटेड वाटर फॉल ईल एंड डाई, तो कई सारे जो एनिमल्स होते हैं इस तरीके का जो पोल्यूटेड गंदा पानी है उनको पीने के कारण बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। डॉक्टर सावन सेड, येस इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू, हाँ ये सच है। पिकॉक सेड, सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल यूर डेंजरस स्टफ बैक टू यू, तो पिकॉक ने यहाँ पे कहा कि इसीलिए हम लोगों ने मीटिंग की, सब लोग एक साथ आए और फिर हमने डिसाइड किया कि जो सारे डेंजरस स्टफ आपके कारण हमें हो रही है यहाँ पे, वही चीज़ें हम आपको क्या करेंगे यहाँ पे बैक करेंगे, आपको रिटर्न देंगे। वी डोंट नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने आपको सेम आपके साथ वही किया जो हम आप लोगों ने हमारे साथ किया। बियर सेड, एनी वे वी वेयर नॉट एज क्रूअल एज यू आर, तो छोड़िए अभी ये सब बातें, हम लोग आपके जैसे नहीं है। वी हैव ओनली रिटर्न द गार्बेज, तो हम लोगों ने सिर्फ आपको ये गार्बेज रिटर्न किया है। वी हैव नॉट पोर केमिकल्स एंड पॉइजनस ऑन टू यूर सेटलमेंट, तो हमने आपकी तरह कोई भी केमिकल और पॉइजनस चीज़ें आपके सेटलमेंट्स, मतलब आपकी जो भी स्ट्रीट वगैरह है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने केमिकल्स और पॉइजनस को तो नहीं डाला है। मेयर सेड, आई सी यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट, यू आर राइट, तो आप लोगों का पॉइंट सही है, आपने जो भी बोला ये बिल्कुल सही है। मिस्टर देसाई सेड, यू हैव ओपन अवर आइज, वी शुड नॉट डंप रबिश इन द फॉरेस्ट और रिवर्स और लेक्स, तो यहाँ पे मिस्टर देसाई बोलते हैं कि आप लोगों ने तो हमारी आंखें ही खोल दी कि किस तरीके से हम लोग हमारा जो रबिश है, जो कूड़ा कचरा है, उसको फॉरेस्ट में, नदी नाले में फेंक रहे थे। मिसेस पटेल, बट वेयर कैन वी डिस्पोज ऑफ इट, लेकिन हम लोग हमारा कचरा डिस्पोज कहाँ पे करेंगे। देन मेयर सेड, If you all agree to sort out the litter, I will arrange for it to be collected separately. अगर आप लोग सहमत हो तो मैं कुछ अरेंजमेंट करूँगा कि जिसके कारण ये गार्बेज सेपरेटली कलेक्ट किया जाएगा। Then some of it can go for processing and some for recycling. तो जो गार्बेज कलेक्ट होगा उसमें से कुछ पे प्रोसेस होगी जिसे रिसाइकल किया जाएगा, और कुछ जो है उसमें प्रोसेसिंग किया जाएगा और अच्छे से डिस्पोज किया जाएगा। मिसेज जोशी सेड, गुड आइडिया, लेट्स डू जस्ट दैट, तो मिसेज जोशी यहाँ पे कहती है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है जिसे हमें करना चाहिए। मेयर सेड, लेट अस सेव आवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म, तो हमारी जो भूमि माता है, मदर अर्थ मतलब भूमि माता जो है, इसे हमें इस तरीके की चीज़ें जो है हार्मफुल उनसे बचाना चाहिए। टू द एनिमल्स, तो एनिमल्स को बोलते हैं
थैंक यू डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अस अ लेसन सो इफेक्टिवली. आप लोगों ने काफ़ी अच्छा लेसन हमें सिखाया यहाँ पे. वी एश्योर यू वी विल नॉट पोल्यूट अवर स्पॉइल यूअर होम्स. तो हम लोग यहाँ पे आपके जो होम्स हैं उनको स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करेंगे. आई शैल इवन वॉर्न दोज हु गो देयर फॉर पिकनिक. तो मैं उन लोगों को भी यहाँ पे वॉर्न करूँगा, उनको सूचना दूंगा कि अगर जो लोग फॉरेस्ट में पिकनिक के लिए आते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐसे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स आपको नहीं पहुँचाएंगे. सम एनिमल्स से थैंक यू मिस्टर मेयर, थैंक यू एंड दे रिटर्न. तो सारे जो एनिमल्स हैं मेयर को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. देन मेयर सेड सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. खुद की मदद करना ये काफ़ी अच्छी मदद हो सकती है. लेट्स क्लियर दिस अप ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर. और उसके बाद सारे जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे इंक्लूडिंग मेयर, तो मेयर भी और बाकी सब लोग क्या करते हैं वहाँ से कचरा जो है उसको उठाना स्टार्ट कर देते हैं. आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए.